देखना यहाँ पे है अंकल, इस लड़के अंकल एक मिनट एक सेकंड कुछ बात करनी है आपसे। ये आप अभी यहाँ पे क्या शादी करके आ रहे हैं? हाँ जी, शादी की। शादी करी है आपने? हाँ जी हाँ जी। तो ये इसके देखो, लड़की की इसको देखो, एज देख रहे हो आप इसकी, कितनी छोटी है और आप इतने बड़े हो। बेटा एक्सपायर हो गया था। हाँ, तो ये मेरी पहले बहू थी। हाँ, तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, तो मेरा भी एक बेटा था, वो भी चला गया। हाँ, तो इस करके मैंने कहा घर की बात घर में ही रह जाए। तो ये मतलब घर की बात कोई अच्छी बात है? ये अच्छी बात है। आपको मतलब अच्छा लग रहा है कि जो आपके बेटे की बहू थी अब आपने उससे शादी कर ली? अब क्या बताएं, अब नहीं क्या बताएंगे। आपको सोचना चाहिए ना, समाज क्या बोलेगा। आपने सोचा मतलब मंदिर में आप आ रहे हो और यहाँ पे शादी करके मतलब क्या मैडम, कोई जोर जबरदस्ती से शादी हुई है आपकी? क्यों करी है शादी आपने? आपका आपको नहीं पता आपका फ्यूचर है आगे? अभी आपकी एज ही क्या है, कितनी एज है आपकी? 25 एज है। और आपकी कितनी है? 45 साल। तो मतलब दुगना फर्क है। आपको वो नहीं दिखा क्या? मेरे कोई आगे पीछे है नहीं, इसलिए मैं आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरे। तो इसलिए आपने इनसे शादी कर ली? मतलब आगे पीछे आपका कोई भी नहीं है तो इनसे अपने ससुर से शादी कर ली? थोड़ी शर्म वरम नहीं आई आपको? मतलब कुछ तो सोचना चाहिए ना कि चलो ठीक है अंकल, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। चलो ठीक है, इसका तो हस्बैंड एक्सपायर हुआ, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए ना। घर की इज्जत को छोड़ा भी नहीं जा सकता ना, बाहर भी नहीं छोड़ा जा सकता। अरे अंकल छोड़ा क्या नहीं जा सकता, आपने कभी इसको एक तरीके आपने इसको बेटी समझा था ना। आप पहले साइड आइए, मंदिर के इधर आइए आप, है ना, लोगों को आने जाने दीजिए। आपने इनको मतलब अपनी बेटी समझा था ना कि मतलब सीधा शादी कर ली? आपको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। बोलिए क्या बताएं कि आपको शर्म आनी चाहिए मैडम, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। थोड़ा मतलब इतना सोचना चाहिए कि मतलब थोड़ा बहुत आपको कि मतलब ये आपके बड़े हैं और आप मतलब अभी से मतलब इनकी उम्र भी नहीं देखी आपने और शादी कर ली इनसे। शादी एक्सपायर हो गई इसलिए सोचा कि कर लेते, क्योंकि तो, कोई हाँ, अभी नहीं आगे पीछे हाँ, ना ध्यान रखने वाला। देख रहे हो ये मंदिर में से, अभी यहाँ से मंदिर में से दोनों शादी करके ही निकले हैं। हाँ अंकल क्या बोलोगे आप बताना जरा। ऐसे ऐसा देखो, हमारा घर का मामला है, आपको हाँ, तो बीच में आना भी नहीं चाहिए। आपका घर का मामला मुझे अच्छा नहीं लगा अंकल। देखो आपका घर का मामला कौन है, मैं जानता भी नहीं आपको। नहीं मैं भी आपको नहीं जानता, बट मुझे ये लगा कि आप मतलब अपनी उम्र देखो और इसकी उम्र देखो, अभी से आप मतलब इसको समझा सकते थे कि बेटा मैं मतलब तेरे लिए और भी लड़का ढूंढूंगा या तेरे लिए और भी कर सकता हूँ। मामला देखो, नहीं घर का मामला कुछ नहीं होता है अंकल, घर का मामला कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने सहारा दिया इसको, एक बेटी की तरह भी तो सहारा दे सकते थे ना। नहीं आपका इसमें कोई राइट नहीं है। नहीं मेरा राइट नहीं है तो आपका भी ऐसा राइट नहीं बनता है। ऐसा समाज नहीं बोलता है कि आप अपनी बहू से ही शादी करो, समाज में ये बोला जाता है क्या बताओ? इसकी चलो मैं मान लिया मजबूरी है, इसकी मान लिया मैंने मजबूरी है। आपका मामला बनता नहीं है अंकल, आपका भी मामला नहीं बनता। नहीं हमारे घर की बात है, घर की बात है। आप मंदिर में आ रहे हो, बकायदा यहाँ पे शादी करी है आपने, घर पे शादी नहीं करी है मंदिर में। क्या बोलोगे आप तो बोलना, मंदिर में शादी करी है आपने, अपने घर पे नहीं? हमारे घर का मामला नहीं, क्या घर का मामला है तो इसमें मतलब घर के मामले में मैं क्या, आप दखल अंदाजी कर नहीं सकते। अच्छा मैं जब हमने अपनी मर्जी से शादी करी है, मेरा अच्छा, हस्बैंड एक्सपायर हुआ है। अच्छा तो हमने अब यही मेरा ध्यान रखेंगे यही सब कुछ। तो मैडम ये आपने मतलब आपका मतलब नहीं बनता बीच में बोलना। नहीं नहीं ऐसे कैसे, चलो एक मिनट में बात कर रहा हूँ सर, मेरी पूरी बात हो जान दीजिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती से शादी करी गई है। ठीक है लड़की, अगर ठीक है आप मैडम आप आपके हस्बैंड एक्सपायर नहीं, नहीं, भाई सर एक मिनट नहीं, आप प्लीज सुनिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, इधर आइए आप है ना, ऐसे नहीं जा सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे पहले बात करनी है मेरे को, पीछे चलिए आप एक बार पीछे चलिए। ठीक है मंदिर में यहाँ पे ना हंगामा मत करो, समझ गए? बताइए मैडम बताइए आप क्या बोल रही थी। सही लग रहा है आपको? आपको अच्छा लग रहा है? मैं खुशी से शादी करी आपको, अजीब सा ही लग रहा है शादी करना भाई। हमारे उम्र देख के एज देख के तो हमारे आपका कोई राइट नहीं। ये आप माला वाला डाल के आप लोग यहाँ पे शादी कर गए इसको, दुल्हन का बकायदा मतलब पूरा यहाँ से शादी करके ही ले जा रहे हो आप यहाँ से। चलो तुम चलो। नहीं चलो अंकल एक सेकंड में बात कर रहा हूँ ना, मेरे को चिल्लवाने में मजबूर मत करो, मंदिर है मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, शांति से बात कर रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कि इसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई है तो आप जा सकते हो। कोई दिक्कत मैडम क्या क्या कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की। आपने सोचा नहीं, आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि ये आपके ससुर थे एक टाइम पे, हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद आप अभी एज ही क्या आपकी 25 साल है, आगे पीछे कोई नहीं है तो सोचना, आगे पीछे कोई नहीं है। आप अकेली लड़की नहीं हो जिनके हस्बैंड एक्सपायर होते हैं, दिन में कितने लोग मरते हैं, कितनों के घर टूटते हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि अपने ससुरों से शादी कर लेते हैं। और इनकी एज देखो, बुढ़ापे की उम्र हो रही है इनकी,
बुढ़ापे की उम्र हो रही है, तुम्हें क्या क्या ध्यान रखेंगे तुम्हारा बताना, क्या ध्यान रखेंगे तुम्हें? तो अंकल ये बोलना चाहिए था कि ठीक है बेटा तू और कहीं शादी कर, मैं तेरी शादी करवाता हूँ, ये नहीं कि तुम खुद ही मतलब इनसे शादी करने लग गए हैं। बताइए एक बार, ये तो हमारे घर का मामला, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। हम जानते नहीं हम तुम्हें, तुम गाँव का हमारे। मैडम आपकी मर्जी से शादी, आपकी मर्जी से, मैं जानना चाहता हूँ एक बार, आपकी मर्जी से ये सारी शादी, ये जो पूरी शादी हुई है आपकी मर्जी से हुई है या जोर जबरदस्ती करी है इस आदमी ने, मुझे इतना बता दीजिए बस। नहीं नहीं, हमारी अपनी मर्जी से हुई है शादी। अपनी मर्जी से हुई है? हाँ जी अंकल जी, हाँ हमारी मर्जी से हुई है। मेरा पैसा पैसा बहुत है, मैं इसको आराम से तसल्ली से रखूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब पैसों की वजह से रहेगी, अपना घर में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वाइफ है या मतलब? अच्छा, वो एक्सपायर हो गई है तो आपने मतलब अंकल थोड़ी तो शर्म कर लेते, अब थोड़ी बहुत शर्म कर लेते अंकल, थोड़ी सी कर लेते कि इस बिचारी की उम्र देख के थोड़ी सी दया कर लेते। दूसरे लड़के से शादी करा सकते थे, दूसरे से नहीं करा सकते, कोई पता नहीं लगता ना कोई। क्यों मैडम बताइए, कभी आपने इनको उस नजर से देखा था, हस्बैंड की नजर से देखा कभी इनको? नहीं। तो फिर अब आप इनसे शादी करने के लिए रेडी हो गए और यहाँ पे आप जा रहे हो? देखो मेरा मतलब नहीं बनता है आप लोगों को टोकना, वो आपकी निजी लाइफ है, आपकी लाइफ है, ठीक है? आप हमें कोई चीज, आप अपनी मर्जी से खुश हो, आप इस शादी से खुश हो? हाँ जी। आप खुश हो? हमें कोई बात नहीं, कल आप जाओ फिर, मेरा बोलने का मतलब नहीं बनता, ठीक है?